ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम अपनी एरीज राशि के लिए, एरीज यानी कि मेष राशि के लिए वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं, जो कि है 23 सितंबर से 28 सितंबर तक। तो हम अपना ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज़ करेंगे और साथ में हम मूनोलॉजी से गाइडेंस निकालेंगे। तो तब तक हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेडिशनल डेक से। हम आने वाले दिनों में क्या होने वाला है एरीज राशि के साथ, तो एरीज राशि देखते हैं आपके लिए। ओके एरीज राशि। सो सबसे पहला कार्ड निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव सेवन ऑफ वॉन्स। तो आई थिंक ये कुछ काम रिलेटेड लग रहा है। आप कुछ ऐसा काम है जिसकी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक नया प्रपोजल काम से रिगार्डिंग या किसी सिचुएशन से रिगार्डिंग आपकी लाइफ में आने वाला है, इसीलिए आप शायद उसके लिए आगे को बढ़ रहे हैं। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी शुरुआत हो, जिसका प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स में रिलेशनशिप्स से रिगार्डिंग हो सकता है या ये काम में कोई प्रपोजल। तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, दोनों के दोनों पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अब हम अगली जो देखेंगे उसमें हम आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि एरीज राशि वालों के करंट पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। तीन कार्ड्स निकालेंगे हम उनके लिए, और अगर क्लैरिफायर निकालना पड़ा तो हम जरूर निकालेंगे। पहले हमने तीन कार्ड्स आपके लिए निकाले थे कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अगेन पहला कार्ड आपके पार्टनर के लिए आया द एम्प्रेस, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट है टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। कोई एक ऐसी एम्प्रेस है जो बहुत ही आपके लिए फुलफिलिंग है, आपको बहुत ही वो रखती है। बट कुछ टाइम से आपका जो मुझे फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लाइफ में शायद कुछ हार्ट एक्स आए हैं, और ये आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। और उसी का रीज़न ये है कि आपको थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स लग रहा है, और ये सब आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही कुछ अभी हमने देखी थी, और अब उसके बाद आपके पार्टनर की भी ऐसी ही आ रही है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जबकि एम्प्रेस कार्ड उनके रीडिंग में आया है, तो एम्प्रेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो कि फर्टिलिटी का और एक अच्छे ग्रोथ का कार्ड है। तो ग्रोथ में आई थिंक ये बर्डन और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ है, तो ये आपको देखना है कि ये आपकी रीडिंग से कैसे मैच होता है। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिससे ये मैच होता है। ओके, तो अब हम आपके लिए निकालेंगे गाइडेंस। आइए गाइडेंस देखते हैं मूनोलॉजी से कि आपकी जो भी फिलहाल करंट सिचुएशन है उस हिसाब से आपकी क्या गाइडेंस निकाल सकते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल हैं, तो हम गाइडेंस निकालेंगे एरीज राशि वालों के लिए। सबसे पहली गाइडेंस है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। मे बी कुछ नेगेटिविटी आ गई आप दोनों के बीच में, तभी वो बर्डन भी फील कर रहे हैं, और आप भी नाइट ऑफ कप्स यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे थे।
तो शायद ये एक टाइम आ चुका है आप दोनों के बीच में कि आप कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, वी हैव अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। आई थिंक अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे तो एक विन विन आउटकम आएगा आपकी तरफ। तो नेक्स्ट ये है कि आपको कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो कम्फर्ट जोन वही है, आप कम्फर्ट जोन से कैसे निकलेंगे उसके लिए यही है, जब आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। जब तक आप अपने गुस्से में, ईगो में, किसी भी चीज़ में सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे, आप कभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे। और जब आप अपने कम्फर्ट जोन से निकलेंगे तो डेफिनेटली एक विन विन आउटकम तो आएगा ही। तो कार्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आई थिंक मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं नज़र आई। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ये वीकली रीडिंग पसंद आई हो, और मैं अगली रीडिंग में आपसे फिर मिलती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर कमेंट करके मुझे शेयर करिए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।